हेलो गाइस, एनएम एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या फिर हम कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, पांच पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चन बनकर आते हैं। और जो पहला पॉइंट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिखने वाला है, जो आपको प्रीवियस पेपर में आपको दिख जाएगा। और ये टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर का है, और डेफिनेशन का भी आता है एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में मिल सकता है। और मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस की, जैसे कि आपका जिंजर का पूछ लिया कि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है, तो मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का भी आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन आ सकता है। और यूजेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये आपका 4 से 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको ले सकते हैं इसको। और टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो 5 टॉपिक्स है इसी के अंदर जो किस तरह से क्वेश्चन उठकर आते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन है, देखिए ऐसी होगी कि द पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, आपके प्लांट बॉडी का एक पार्ट, द पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, हमने ये अलग से निकाला, सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, द प्लांट बॉडी, द पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स एंड गिव राइज अ न्यू इंडिविजुअल, इट्स कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब प्लांट बॉडी जो है उसके एक पार्ट आपने निकाला और इस पार्ट से आपने एक नया इंडिविजुअल क्रिएट कर दिया, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हम इसका रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट भी कह सकते हैं, बट इसमें आपको जेनेटिकली चेंजेस नहीं मिलेंगे, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं प्लांट्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो एक एग्जांपल है, वो है आपका जिंजर का, जो आपके राइजोम से आता है, राइजोम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ आपको। तो एक जिंजर का डायग्राम है, ठीक है, इसमें से साइड से आप देखिए राइजोम्स निकले हुए हैं, और जो राइजोम्स हैं ये आपका एक नया इंडिविजुअल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर सेफ्रॉन की बात करते हैं हम, तो सेफ्रॉन में आप क्या होगा, आपके जो स्टेम कटिंग है उसके थ्रू आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और यही हम बात करते हैं टर्मरिक की, तो टर्मरिक में भी आप राइजोम के थ्रू एक नया प्लांट क्रिएट कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का केवल एक मतलब है कि नया प्लांट का जनरेशन किसके द्वारा, प्लांट बॉडी के किसी पार्ट के द्वारा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मेरे वहाँ पर जो पहले आपको जो पहले स्लाइड दिखाई थी उसमें ऐसा था कि मैंने केवल मार्क्स जो थे वीडियोज के हिसाब से नंबर वाइज लिखा था, ठीक है। जैसे 10 मार्क्स में सबसे ऊपर लिखा, जिससे आपके दिमाग में फिट रहे और आपको फिक्स रहा है आपके दिमाग में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, अब मैं आपको इसके बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये टाइप्स बताने वाला हूँ इसके, ठीक है। तो इसमें आपको मिलने वाले हैं 5 टाइप्स के प्रोपगेशन, जिसमें आता है, पहला आता है स्पेशली पार्ट या फिर टाइप, इसको कह सकते हैं स्पेशली पार्ट और टाइप्स के द्वारा हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। इसको हम अगर एक तरह से कह सकते हैं, अगर हम थ्योरेटिकल देखें तो इसका नाम देते हैं हम प्रोपगेशन बाय स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का मतलब है कि कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी आपको जिंजर का बताया था जो कि राइजोम्स के थ्रू हो रहा था, और आपका टर्मरिक भी उसी के थ्रू होता है। और तो इसमें क्या होता है, देखिए पहली चीज़, इसमें आपका एक तो बल्ब्स के थ्रू, ठीक है, इसमें क्या होता है बल्ब्स में आपको एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, एक मोटी स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे ही गोल से स्ट्रक्चर्स। तो आपका आप ये ले सकते हैं लहसुन में, ठीक है। और इसके बाद आपके ट्यूबर्स, ये भी इसका एक पार्ट है। तो ट्यूबर में आप ले सकते हैं पोटैटो, ट्यूबर नीचे स्ट्रक्चर, नीचे जब अंडरग्राउंड होती है स्ट्रक्चर
तो पोटैटो के थ्रू अपन उगा सकते हैं नया प्लांट। जी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आता है राइजोम्स। राइजोम्स के अंदर आता है आपका टर्मरिक, इसका एग्जांपल है। राइजोम्स में टर्मरिक नहीं, सॉरी राइजोम टर्मरिक नहीं, इसमें आपका आता है हाँ सॉरी टर्मरिक ही है, टर्मरिक है ठीक है। और इसके बाद आपका आता है एक, आप इसमें और दे सकते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा आपको रनर्स, रनर्स भी है आपका, डॉप ग्रास इसका एग्जांपल है। और अगर इसके बाद हम बात करते हैं स्टेम और लीव्स के थ्रू, तो इसमें आपका आ जाएगा सैफ्रन ठीक है। तो मैंने आपको तीन चार इसके अंदर अंदर ही बता दिया कि आपको स्पेशली पार्ट के थ्रू के आप उगा सकते हैं, जैसे बल्स, ट्यूबर्स, राइजम्स, रनर्स, स्टेम और लीव्स, ये एक स्ट्रक्चर है जो स्पेशल है जिसके थ्रू हम नए जनरेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका पहला टाइप था। सेकेंड टाइप में आपको दिखने वाला है कटिंग्स, कटिंग्स के थ्रू। अब कटिंग्स कैसे, आपकी रूज, रूज कटिंग, रूज कटिंग हम क्या करते हैं, रूज की कटिंग कर कर एक नया प्लांट जनरेट करते हैं ठीक है। रूज कटिंग के थ्रू एक नया प्लांट जनरेट होता है, ये भी इसका एक टाइप है। तो एक तरह से हम नया इंडिविजुअल क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट ठीक है। इसके बाद आप लेयरिंग का देख सकते हैं, लेयरिंग के थ्रू भी हम उगा सकते हैं। अब लेयरिंग का आप देखेंगे कि लेयरिंग में हम क्या करते हैं कि एक प्लांट है उसी के ऊपर ऐसे कि कट, ऐसे देखो लेयरिंग में ऐसे लेयर लेयर ऐसे क्रिएट हो जाते हैं लेयरिंग, एक लेयरिंग भी इसका एक एग्जांपल है जिसमें आप लेयर के थ्रू एक नया प्लांट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक नीम के पेड़ पर पीपल का पेड़ भी उग जाता है, वो लेयरिंग है, एक टाइप ऑफ लेयरिंग कह सकते हैं उसको हम ठीक है। और इसके बाद आपका ग्राफ्टिंग आता है। ग्राफ्टिंग में अपन ग्राफ्ट कर रहे हैं ठीक है। और ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में आप प्लांट को इस तरह से अटैच करते हैं कि दोनों प्लांट एक ही तरह से काम करते हैं ठीक है। जैसे कि क्या होता है, कई बार हम किसी प्लांट के स्टेम लेते हैं ठीक है, और किसी प्लांट की हम रूट लेते हैं। अब उन दोनों को इस तरह से अटैच कर रहे हैं, जैसे कोई अलग तरीके मैंने स्ट्रक्चर लेयरिंग में ज़्यादा, लेयरिंग ग्राफ्टिंग में थोड़ा अंतर है, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं है लेयरिंग ग्राफ्टिंग में। बट इसमें क्या है, इसमें हम स्टेम और रूट को ले रहे हैं, एक प्लांट की स्टेम है दूसरे प्लांट की रूट है, इन दोनों को यूज़ कर कर हम एक नया प्लांट जनरेट कर रहे हैं। तो यही है एक ग्राफ्टिंग टेक्निक, इसके थ्रू भी हम एक नया इंडिविजुअल क्रिएट कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक सेकेंड, इसमें ऐसा हो रहा है आप समझिएगा कि हमारे पास किसी प्लांट की रूट है ठीक है, उसमें हमने क्या करा, उसमें हमने कोई भी पेड़ जैसा आपको जो सही लगे उस पेड़ की हमने नई स्टेम लगा दी, हुआ क्या, रूट भी यूज़ हो गई और एक प्लांट का जर्मिनेशन भी हो गया। तो ये भी एक तरह की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमने एक नया जर्मिनेट करना है चीज़ नहीं। इसके बाद आपका आता है माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक ठीक है, इसी के अंदर है वो भी माइक्रो प्रोपोगेशन। इसमें क्या करते हैं, इस टेक्निक में प्रोपोगेशन में इन्वॉल्व करते हैं हम सेल्स को एंड टिश्यूज़ को और ऑर्गन टिश्यूज़ मतलब ऑर्गन सिस्टम को हम काम में ले रहे हैं। इसमें ऑर्गन कल्चर इसमें कह सकते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं माइक्रो प्रोपोगेशन में, आप माइक्रो से समझ सकते हैं माइक्रो और प्रोपोगेशन तो हम नई चीज़ को कल्टिवेट कर रहे हैं। तो माइक्रो मतलब बहुत, मतलब एक माइक्रो काम है बहुत सूक्ष्मदर्शी या फिर आपके टेक्निकल काम है। ये टेक्निकल काम में क्या करते हैं, हम किसी प्लांट की सेल के द्वारा हम एक नया प्लांट क्रिएट कर रहे हैं, हम जैसे कह सकते हैं एक तरह का क्लोन भी कह सकते हैं उसको, बट क्लोन एक यूज है ना। तो अब देखिए कह सकते हैं कि सेल का, सेल के थ्रू हम एक नया प्लांट क्रिएट कर रहे हैं और इस टेक्निक के थ्रू हम बहुत सारे प्लांट क्रिएट कर सकते हैं एक प्लांट के थ्रू, अब बहुत सारे एक सेल से बहुत सारे प्लांट क्रिएट कर सकते हैं ठीक है। और इसके थ्रू हम मिलियन ऑफ हाई क्वालिटी वाले चीज़ को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट टेक्निक मुझे लगता है इसमें माइक्रो प्रोपोगेशन है, जो कि साइंटिफिक टेक्निक है जो कि आपको करने के लिए सेल्स की नॉलेज होनी चाहिए, बट बाकी जो टेक्निक से जो कि एक सिंपल यूजेबल है जो आप घर पे यूज कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आपने टाइप्स देखे, अब हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया इसके यूजेस हम उसी को एडवांटेज में डाल देंगे। तो मैंने एक पॉइंट और डाला था यूजेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन,
तो अब इसके यूजेज हम डालने वाले हैं। पहला यूजेज आपको दे सकते हैं, तो ये एक चीपर मेथड है जिसके थ्रू आप बहुत सारे प्लांट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई भी ज़्यादा पैसे लगने की ज़रूरत नहीं है, और ये मल्टीप्लिकेशन है प्लांट्स का या ट्रीज़ का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपका, मैं कह सकता हूँ, बेस्ट मेथड है। तो ये चीपर मेथड है, ठीक है, चीपर मेथड होने के कारण ये हमारे लिए बेस्ट है मेथड है, और इसी के द्वारा हम क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन मेथड एक तरह का प्लांट का, हम मल्टीप्लिकेशन मेथड कह सकते हैं इसको, क्योंकि इससे बहुत सारे प्लांट बन रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। सेकंड कि इसके मेथड के द्वारा आप हर तरह के प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। ये जो मेथड आप यूज लेंगे इसके द्वारा आप एवरी प्लांट, मतलब एवरी तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, एवरी शब्द सही रहेगा, कि ऑल टाइप ऑफ प्लांट कैन बी कल्टिवेटेड बाय दिस मेथड, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ प्लांट कैन बी कल्टिवेटेड विद दिस मेथड, ठीक है, मैंने लिख दिया। तीसरी चीज़, किसका जो प्रोडक्ट निकलने वाला, मतलब फ्लावर्स या फ्रूट्स हैं, उसकी अच्छी क्वालिटी मिल सकती है आपको, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। अगर जैसे कि आपके पास अच्छी क्वालिटी वाला कोई सीड है, अच्छी क्वालिटी वाला कोई पेड़ है, उसका आप ग्राफ्टिंग कर दीजिए, ग्राफ्टिंग कर दीजिए, मतलब आप वेजिटेबल प्रोपोगेशन में कर दीजिए, तो आपको उसी क्वालिटी की अच्छी चीज़ मिलने वाली है, क्योंकि उसमें जीन्स अच्छी क्वालिटी वाले हैं, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी आपको, बेस्ट क्वालिटी इसमें प्रोवाइड हो सकती है वेजिटेबल प्रोपोगेशन में, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड हो जाएगी इसमें, ठीक है। इसके बाद आप एक और देख सकते हैं कि इसके अंदर जो आपका जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, मतलब आने वाले जिसकी थर्ड, मतलब अगली जनरेशन जो हमने ग्राफ्टिंग की तरह या फिर वेजिटेबल प्रोपोगेशन के द्वारा आई है, वो आइडेंटिकल होगी, मतलब उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा चेंज आने की जरूरत नहीं है, वो आइडेंटिकल है। और उसकी अगर आप जेनेटिकल देखेंगे तो जेनेटिकल सेम है दोनों। तो ये आपको चार पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि ये चार पॉइंट इसकी बेस्ट क्वालिटी है जो कि है वेजिटेबल प्रोपोगेशन की। अब हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो मैं बात करता हूँ एडवांटेज की, तो एडवांटेज में आपके ये भी सारे पॉइंट आ जाता है, बस मैं आप एक और दो पॉइंट और जोड़ लीजिए, आपके एडवांटेज में ये पॉइंट है। तो एडवांटेज में आप ये पॉइंट और जोड़ सकते हैं इसका कि ये फास्टर मेथड है, थोड़ा कि नहीं ऑफ स्पिन के लिए फास्टर मेथड है, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको सीड के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, ना किसी चीज़ के लिए रुकना पड़ेगा, सीधे अगर आप जैसे कि आपको उगाना है तो आराम से उग सकते हैं, इट इज़ अ फास्टर मेथड। हाँ, तो इसमें एक आप और जोड़ सकते हैं, एक और ये है कि आपको जो करेक्टर्स हैं, ठीक है, वो मेंटेन रहेंगे हमेशा से, जैसे कि पहले प्लांट में थे वो दूसरे प्लांट में रहेंगे, तो आइडेंटिकल वाला करेक्टर और ये वाला करेक्टर दोनों सेम है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो ये क्वेश्चन जो है डिसएडवांटेज का, इसमें आप देखिए पहला डिसएडवांटेज ये है कि देखो करेक्टर वाला मैं जो पॉइंट लिखा था उसके अगेंस्ट है, करेक्टर वाला पॉइंट के अगेंस्ट है कि भैया क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होने वाला, क्वालिटी जो है वही क्वालिटी रहने वाली है। अगर क्वालिटी में चेंज कब आता है, जब आप करते हैं रिप्रोडक्शन, वो भी किस में, अलग अलग, जैसे कि बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी किसी आपको रिप्रोड्यूस करते हो तब जाकर एक अच्छी क्वालिटी मिलती है हमारे को, पर इसमें तो पहली वाली क्वालिटी जो होगी वही चलेगी क्वालिटी, तो इसमें एक तो आपकी क्वालिटी में चेंज आने वाला है, ठीक है। सेकंड चीज़ है आपकी ये जो प्लांट्स होते हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शॉर्ट लीव्ड होते हैं, इनकी उम्र बहुत कम होती है, ठीक है, शॉर्ट लीव्ड होते हैं, इनकी उम्र बहुत ही कम होती है। तो मैं ये कहूँगा कि शॉर्ट लीव्ड होने के कारण भी आपके लिए थोड़ा सा एक तरह का मेथड थोड़ा गलत हो सकता है, और इसका आप ये बोल सकते हैं कि स्किल पर्सन आर रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जिसको इससे नॉलेज होनी चाहिए, जिसको हर तरह की जो उसके टाइप्स उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कौन से प्लांट में राइजोम्स उगते हैं और कौन से प्लांट में हम राइजोम्स के थ्रू आप वेजिटेबल प्रोपोगेशन कर सकते हैं, और कौन से प्लांट में रनर्स काम में रहेंगे, कौन से प्लांट में ग्राफ्टिंग होगी। तो उससे एक तो हमको क्या चाहिए, एक स्किल आदमी चाहिएगा इस काम के लिए, और स्किल आदमी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा ये इस चीज़ के लिए थोड़ा महंगा पड़ता है, ये चीपर क्वालिटी, तो वैसे तो क्वालिटी चीपर है, परंतु इस आदमी के लिए हमको थोड़ा पैसे देने पड़ेंगे। तीसरी चीज़ में आप देख सकते हैं जो इसकी डिजीज है, वो जैसे पहले वाले प्लांट में डिजीज थी, अब इसी का आपने वेजिटेबल प्रोपोगेशन कर दिया, तो इसमें जो डिजीज थी वो इसमें भी जाने वाली है,
क्यों जाने वाली है? क्योंकि प्लांट तो वो ही है, बस हमने क्या करा है, हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करा है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो जब करेक्टर इसमें उसके अंदर नहीं आ रहा तो डिजीज तो रहने वाली है, ठीक है, तो इसके अंदर आपकी डिजीज भी रहने वाली है। अगर डिजीज वाला पहला प्लांट अगर इन्फेक्टेड था तो देखिए दूसरे प्लांट में भी चांसेस देखिए इन्फेक्टेड हो सकता है, जो बीमारी लंबे समय तक होने वाली है, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं, मैं बात करता हूँ कोई सिट्रस कैंकर, अगर हम नींबू में अगर कभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करते हैं, सिट्रस कैंकर एक प्लांट में है, तो अगर उसका हम अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन मतलब जो हमने नया प्लांट बनाया उसमें भी आपको सिट्रस कैंकर दिखने वाला है, बिल्कुल दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि वो डिजीज है, वो इनबिल्ट डिजीज है, और चेंज कब होती है? अगर हम उसका क्रॉस रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, क्रॉस करते तब, बट इसमें तो हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में तो कुछ भी नहीं करा है, वही वही के वही चीज़ प्लांट लगा दी हमने एक तरह से, ठीक है। तो मैंने आपको दो तीन चीज़ें बताई हैं, अब हम बात करने वाले हैं मीन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मीन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखाऊंगा, जो एग्जांपल आपको 1 नंबर क्वेश्चन या फिर 2 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखने वाला है, ठीक है। और जो भी आपको डाउट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जांपल आपको मिलने वाला है लिली, देखो मैं एग्जांपल लिख देता हूँ कौन सा किसके थ्रू कौन सा यहाँ पर आपको मैं प्लांट नेम और अदर टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। लिली ये लिख लीजिए आप, लिली है ना, मैं लिख कर देता हूँ। मैंने पूरी लिस्ट आपके सामने रेडी कर दी है, लिस्ट में आप देख सकते हैं कि एक तरफ मैंने प्लांट नेम और एक तरफ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का नाम मैंने लिखा है। तो अब आपको देखने वाला है कि कहाँ पर कौन सा किस्म बल्ब्स है, किस में ट्यूबर्स है, किस में राइजोम्स है, किस में नेरन्स और किस में रूट्स। और इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल लिखे जैसे कि लिली, टलिप और डैफोडिल, ये आपका बल्ब के थ्रू होता है इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पोटैटो में आपको ट्यूबर्स दिखने वाले हैं, और जिंजर और टर्मरिक में आपको राइजोम्स दिखने वाले हैं, राइजोम्स के थ्रू दिखने होने वाला है इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और आपका डूब ग्रास में आपका रनर्स के थ्रू होने वाला है, और ब्रायोफिल्म में रूट्स एंड लीव्स के थ्रू होने वाला है, ठीक है। तो बस इतना ही था वीडियो में, बाकी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शुक्रिया।